श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत के संतों एवं कार्यकर्ताओं ने पवित्र तीर्थों, नदियों एवं वीर भूमि के रजकण व जल को एकत्रित किया, जिसके तहत गत दिनों में विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों, आश्रमों, मंदिरों, मठों में रजकण व जल सहित नवरत्न स्वर्ण एवं रजत की ईंटे, हनुमान जी की रजत कथा व अन्य सामग्री का वैदिक मंत्र उच्चारण विधि विधान से धूमधाम से पूजन संपन्न हुआ। रविवार को प्रातः चित्तौड़ प्रांत से प्राप्त सामग्री को विशेष सुसज्जित वाहन में हरि शिवा उदासी आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में पुष्प वर्षा एवं जय घोष करते हुए रवाना किया गया। हरि शिवा धाम में आयोजित समारोह में संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के डॉक्टर शंकरलाल माली, चांदमल सोमानी, रविन्द्र चाचू, विश्व हिंदू परिषद के सुरेश गोयल, धनराज ओम प्रकाश बुलिया, बद्रीलाल सोमानी, बालमुकुंद शर्मा, गणेश प्रजापत, मातृशक्ति से पुष्पा बहेड़िया, दुर्गा वाहिनी से सीमा पारिक, राम प्रकाश बहेड़िया, विजय ओझा, योगेश तादेश, बाबूलाल सैन, ओम प्रकाश अग्रवाल, श्यामलाल ओझा, सौम्या मेहता, अखिलेश मनीष, वनवास कल्याण परिषद से मनीषा बहेड़िया, वनवासी कल्याण परिषद से सीमा जाजू, उमाशंकर शर्मा, मधु शर्मा, रमेश मुंदड़ा, राजकुमार माली, कुलदीप सिंह राणावत, महावीर आचार्य, विशेष रूप से अमेरिका निवासी नारायण लक्ष्मी खटवानी, स्पेन निवासी राम व ईश्वरी टेक चंदानी सहित गणमान्य जन ने हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ भाग लिया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि श्री राम मंदिर के निर्माण के साथ ही 5 अगस्त से राम राज्य की स्थापना और अखंड भारत की ओर भारतवर्ष अग्रसर हो रहा है। संपूर्ण विश्व में शांति और समृद्धि भी होगी। हरि शिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में चित्तौड़ प्रांत से तीर्थराज पुष्कर, राजराजेश्वर मंदिर, हल्दीघाटी, द्वारकाधीश मंदका मठ, साले महादेव, हरावली पर्वत, कुंबलगढ़, गोमती उद्गम स्थल, श्री चार भुजा जी, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, सोमनाथ महादेव कांकरोली, कालिका माता मंदिर, जौहर स्मृति मातृ कुंडिया, मेवाड़ का हरिद्वार, तिलसवा महादेव, सिंगोली चार भुजा, कोटरी श्याम चार भुजा, रामसनेही पीठ शाहपुरा, हंडी महादेव मंदिर, हरिशिवा धाम भिलवाड़ा, सांगर ने चित्तौड़ प्रांत के सैकड़ों मंदिरों, आश्रम, जल सरावरों, बावड़ी, ऐतिहासिक धरावरों से प्राप्त कर रज जल व विभिन्न सामग्री का पूजन किया गया। पूजन विद्वान पंडित सत्यनारायण शर्मा एवं ब्राह्मण मंडली ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न करवाया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन संत समूह व श्रद्धालुओं ने श्री रामलला की आरती, विजय मंत्र, मंगल वाद्यों के साथ जय घोष किया। चित्तौड़ प्रांत की रजकण जल, स्वर्ण एवं रजत ईंट, हनुमान जी की चांदी का गोटा, नवरत्न व अन्य भेंट सामग्री के साथ विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष राम प्रकाश बहेड़िया, चित्तौड़ प्रांत सह धर्माचार्य संपर्क प्रमुख बालमुकुंद शर्मा विशेष वाहन से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए रवाना हुए। श्री अयोध्या धाम के लिए विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत भीलवाड़ा हरि शिवा धाम से रज जल स्वर्ण व चांदी की ईंट लेकर और हनुमान जी का गोटा नवरत्न लेकर आज अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान हुए, जो 5 तारीख को, 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो श्री राम मंदिर की भूमि पूजा करेंगे। जो श्री राम मंदिर एक विश्व का आज तक का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान होगा और विश्व में सबसे अधिक दर्शनार्थी वहीं पर आएंगे, ऐसी मनोकामना है। और राम मंदिर बनने के बाद विश्व में पूरी राज्य राम राज्य की स्थापना की कामना करते हुए हम सभी भक्तजन यहाँ भीलवाड़ा से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। राम जन्मभूमि शिलान्यास के लिए जो रज है वो आज पूरा कोटा, बारा, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, हल्दीघाटी, पूरे चित्तौड़ प्रांत के प्रत्येक स्थान से रज और जल लिया गया है और वो सारा का सारा रज और जल जो है शिलान्यास के अंदर, नींव के अंदर रखा जाएगा।